हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, 2 मई 2023 को पीएचडी 2023 में एडमिशन लेने के लिए सीसी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जो कि रिजल्ट का है हमारा। इसमें पीएचडी एडमिशन फाइनल रिजल्ट का आपको नोटिस मिल जाएगा सीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जूलॉजी, डिफेंस स्टडी और इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मई का ये नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे हम। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 8 प्रोग्राम का यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको किसी भी एक प्रोग्राम पे, जो भी आपका प्रोग्राम है, उस पर लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी, जिसमें हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें आपको देखिए आपका यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा उस यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर, फॉर्म आईडी रहेगी, रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, आपकी कैटेगरी मेंशन होगी। साथ में देखिए यहाँ पे जो आपका एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, अगर यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है जीआरएफ, एनईटी, एमफिल वाले यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, और मार्क्स कितने ऑब्टेन किए आपने इंटरव्यू में वो आपके मेंशन होगा। अगर आपका यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे वो आपके यहाँ पे मेंशन होंगे। टोटल आपका ग्रैंड टोटल आपका बना होगा वो आपके यहाँ पे मेंशन होगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ चुका है, टोटल 8 प्रोग्राम के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं सीसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखिए आपको यहाँ पे एक एक करके जो भी आपका प्रोग्राम है, उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपना रिजल्ट देख लेना है कि आपको कितने मार्क्स टोटल बने हैं, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए हैं, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मेंशन है। अब दोस्तों साथ में बात करते हैं। अब रिजल्ट तो आपका डिक्लेयर हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे मेंशन है नोटिफिकेशन के अंदर, जो पीडीएफ फाइल है आपका जो रिजल्ट है उसमें मेंशन किया गया है टिप्पणी के अंदर, ईच स्टूडेंट सेल्फ पे, यानी जो आपका ईच स्टूडेंट को अब जो एडमिशन लेने के लिए 25,000 का आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप एस सी एस टी स्टूडेंट है तो आपको 12,500 रुपये को पेमेंट करनी होगी फीस, कोर्स वर्क के लिए जो आपका वर्क रहेगा कोर्स का, उसका आपको फीस पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करनी है आपको एनईएफटी इन फेवर ऑफ एफओ सीसी यूनिवर्सिटी मेरठ, आपको एनईएफटी के थ्रू ही आपको अपनी पेमेंट करनी होगी। अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बैंक नेम आपका जो मेंशन किया है यहाँ पे, इसमें जो बैंक का ब्रांच है वो मेंशन किया, एफएससी कोड मेंशन की हुई है यहाँ पे आपको ब्रांच की, तो इसमें आपको एनईएफटी करनी है तभी आपको पेमेंट आपका कंप्लीट होगा। पेमेंट की जो स्लिप है आपको वो आपको अपने डाउनलोड कर लेनी है, उसको आप कॉलेज में सबमिट कराएंगे। साथ में यहाँ पे मेंशन है जो ऑल एडमिटेड कैंडिडेट सेल अंडरगो ए क्रॉस वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 1 सेमेस्टर 6 मंथ, यानी जो आपका एक जो पीरियड है 1 सेमेस्टर का वो आपका 6 मंथ है आपका यहाँ पे, और इसकी ये फीस है यहाँ पे शो कर रही है 25,000 रुपये जो आपकी फीस है, एक सेमेस्टर की फीस है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ में जो पीएचडी प्रोग्राम है हमारे रेगुलर बेस प्रोग्राम है, तो इसमें आपको 75% जो आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, अदरवाइज आपको 75% आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आपको पास लीव है, तो आपके पास लीव गारंटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको आपको कॉलेज में सबमिट कराना होगा। साथ में यहाँ पे मेंशन है देखिए दोस्तों, आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट कराने हैं, जो भी आपका एडमिशन फॉर्म है, आपका जो प्रवेश पत्र की प्राप्ति के समक्ष अभिलेख, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो सब अपने पास होने चाहिए। साथ में जो आपके यहाँ पे फीस सबमिट होगी 25,000 रुपये, उसकी फीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको कॉलेज में सबमिट करा देने, यानी 6 मई तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में सबमिट करा देने हैं और अपना एडमिशन को कंफर्म करा लेना है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन रिजल्ट के लिए जो हो गया है, उसके साथ आपको एडमिशन का प्रोसेस भी मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे साथ में ले जाने हैं, वो भी आपको डॉक्यूमेंट जो आपका पीडीएफ फाइल है उसके अंदर आपको मेंशन किया हुआ है। इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, आपका रिजल्ट का डॉक्यूमेंट रहेगा, साथ में आपके जो ग्रेजुएशन के फॉर्म रहेंगे, आपकी एस सी एस टी का सर्टिफिकेट रहेंगे, साथ में जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आया उसको आपको नोटिफिकेशन आपको निकाल लीजिएगा, साथ में जो रहेगा आपका फीस का रिसिप्ट रहेगा, जो आप फीस पेमेंट करेंगे उसके आपके रिसिप्ट आपको अपने साथ ले जाके कॉलेज में सबमिट करा देनी है 6 मई तक। तो ये दोस्तों है पीएचडी का रिजल्ट, जो कि आपका डिक्लेयर कर दिया गया है 2 मई को। यहाँ पे 8 प्रोग्राम का यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और कब एडमिशन लेना है वो डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो आई होप दोस्तों आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा जल्दी से। रिजल्ट चेक करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए, अपनी पेमेंट कर लीजिए और कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के अपने एडमिशन को कन्फर्म कर लीजिएगा। थैंक यू।